दोस्तों आज आप लोग का सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक नंबर 3 है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 3 एक्चुअली। और यहाँ पे भी मेगा ऑफर है आपका, 80% डिस्काउंट चल रहा है सीआईबी के कोर्सेज में जो स्टार्ट होता है 800 रुपीज से। आप इसको चाहे तो खरीद सकते हैं, काफी हेल्प करेगा एग्जाम की प्रिपरेशन को। चलिए सवाल स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स व्हाइल Everything else remains the same, his demand for inferior good। बोलता अगर इंडिविजुअल इनकम घट जाता है, नहीं जो लोग पैसा कमा रहे अगर उसकी इनकम घट गई तो अब सब कुछ सेम रहा तो डिमांड जो होगा इन्फीरियर गुड का वो अब क्या होगा। ए ऑप्शन है इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेन अनचेंज रिमेनिंग अनचेंज, सी ऑप्शन है वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डी ऑप्शन है डिक्रीज। तो समझिए अब बात को क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या होगा इसका सही जवाब। देखिए इंडिविजुअल इनकम अब घट रहा है, ठीक है, क्या इंडिविजुअल इनकम अब यहाँ पे घट रही है, ठीक है, समझ आए इनकम क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है, यानी इनकम जो आई फॉर इनकम घट गया। तो नेचुरल सी बात है कि जो डिमांड है इन्फीरियर गुड का वो बढ़ जाएगा, यही होगा ना। ए ऑप्शन इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेनिंग अनचेंज, सी ऑप्शन वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डी ऑप्शन डिक्रीज। सही ऑप्शन हो जाएगा ए, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है डी, ये सही ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकम ही नहीं है इतना ज्यादा कि वो हाई क्वालिटी के सामान खरीद सके, इसलिए तो जो डिमांड है इन्फीरियर गुड्स का वो बढ़ जाता है, ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है, यहाँ पे ए ऑप्शन होगा इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 2, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कॉजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कॉमोडिटी टू। बोलता है जो फॉल होता है प्राइस का, अगर कोई प्राइस कॉमोडिटी का गिरता है जिसका डिमांड कर्व जो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है जिसकी वजह से टोटल एक्सपेंडिचर जो होगा कॉमोडिटी का वो क्या होगा। ए ऑप्शन है डिमांड अनचेंज्ड, बी ऑप्शन इंक्रीज, सी ऑप्शन डिक्रीज, डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। जो सही ऑप्शन आ जाएगा रिमेन अनचेंज्ड होगा, इसका मतलब क्या हो गया अनचेंज्ड। क्यों? पहले क्या हुआ, प्राइस हाइपरबोला कैसा होता है, ऐसा होता है पहले प्राइस यहाँ पे था, अब गिरा फिर वापस से उठ के वहीं आ गया जहां पे वो था, इसलिए अनचेंज्ड इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी एंड प्राइस सेट्रीज पेरिबस इज। बोलता है परसेंटेज, क्या परसेंट, इस परसेंटेज नहीं है इसको हटाइए। तो बोलते जो रिलेशनशिप है किसके बीच में पूछ रहा है, रिलेशनशिप पूछ रहा है डिमांड और कॉमोडिटी के बीच में, डिमांड जो होता किसी कॉमोडिटी का और प्राइस के ऊपर क्या होगा। तो इसमें दिया सर्टिस पारिबस इज क्या है, देखिए नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा नन नेगेटिव होगा नन पॉजिटिव होगा, क्या होगा सोच के बोलिए। तो इसका सीधा जवाब है क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है नेगेटिव होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, अदर थिंग्स बींग इक्वल ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट एट गिवन प्राइसेस लीड्स टू। बोलते बाकी सभी चीजें अगर इक्वल हो तो आप देखेंगे जो क्वांटिटी सप्लाई की जा रही मार्केट में गिवन प्राइस में वो घट जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ए ऑप्शन है हायर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी प्राइस बढ़ जाएगी और डिमांड घट जाएगी। बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, यानी प्राइस बढ़ जाएगी और डिमांड भी बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन हायर प्राइस एंड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, बोलता है प्राइस बढ़ जाएगी और एक्सपेंशन होगा डिमांड का। सी ऑप्शन डी ऑप्शन है एक्चुअली यहाँ हायर नहीं होगा, यहाँ पे होगा लोअर प्राइस, दिस इज लोअर प्राइस, लोअर प्राइस होगा एक्सपेंशन होगा डिमांड में। डी ऑप्शन है ए लोअर प्राइस एंड ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी प्राइस भी घट जाएगी और डिमांड भी कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा सही ऑप्शन इस केस में बताइए। सोच के बोलिए, थोड़ा सा जोर देंगे दिमाग को आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही, इसका जवाब हो जाएगा डी, लोअर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, क्योंकि अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड भी घटेगा, ठीक है इसे डी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 5, लो ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स, लो ऑफ डिमांड क्या बताता है। ए ऑप्शन है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड, बोलते क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है क्वालिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, बोलते क्वालिटेटिव रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस और डिमांड के बीच में। सी ऑप्शन रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एक रिलेशनशिप दिखाता है डिमांड और सप्लाई के बीच में।
फिर डी ऑप्शन रेट ऑफ चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, बोलते किस रेट से चेंज हो रहा है प्राइस और डिमांड ये बताता है। तो आप बताएं इसमें क्या होगा सही ऑप्शन इस केस में, देखिए तो लो ऑफ डिमांड यहाँ पे क्या बोल रहेगा सही चीज क्या हो जाएगा, लेकिन सी हो जाएगा। तो लो ऑफ डिमांड बेसिकली एक्सप्लेन करता है एक तरीके का, क्या एक्सप्लेन करता है एक्सप्लेन करता है यहाँ पे रिलेशनशिप बताता है, किसके बीच में बता रहा है तो डिमांड और सप्लाई के बीच में बता रहा है, ये है ना लो ऑफ डिमांड का काम, यानी सही सही ऑप्शन सी है इसका। क्वेश्चन सिक्स, वी कैन सी विद सर्टेनिटी डेट वेन द डिमांड फॉर टीवी इंक्रीजेज इन द लॉन्ग रन प्राइसेस, बोलते हम ये बोल सकते हैं एकदम सर्टेनिटी के साथ कि अगर डिमांड जो है किसी टीवी का बढ़ जाता है लंबे रन में तो प्राइसेस क्या होगा उस केस में। ए ऑप्शन है प्राइसेस विल गो डाउन, बी ऑप्शन है प्राइसेस विल गो अप यानी प्राइसेस नीचे गिरेगा, ए ऑप्शन है प्राइसेस ऊपर चढ़ेगा, बी हो गया चेंज प्रोपोर्शनेटली उसी हिसाब से चेंज करेगा, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बोलते हम यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है बिना डिमांड की नॉलेज की इलास्टिसिटी के बिना। ठीक है तो क्या होना चाहिए इस केस में सही जवाब सोच के बताइए। ठीक है इसका सही जवाब हो जाएगा डी, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इस पोजिशन देखिए एक चीज समझिएगा, यहाँ पे पूछ रहा सर्टेनिटी से यानी अब पक्का पक्की बताइए, क्या पूछ रहा है सर्टेनिटी से पूछ रहा है ना, सर्टेनिटी का मतलब क्या पक्का पक्की पूछ रहा है कि आप ये बताइए अगर डिमांड जो है टीवी का बढ़ता है एक लंबे समय में डिमांड टीवी की बढ़ गई तो प्राइसेज अब क्या होगा, हो सकता है प्राइसेज गिर भी सकता है प्राइसेज बढ़ भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते हैं यहाँ पे यानी कुछ हम बोल नहीं सकते हैं कि किस तरीके डिमांड की इलास्टिसिटी है उसको जाने में, इसलिए डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर सेवन, इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, बोलता है अगर आपका नॉर्मल है क्या ये नॉर्मल डिमांड का शेड्यूल है तो जो क्वांटिटी आपने डिमांड किया है ठीक है वो अब क्या होगा, ए ऑप्शन है वेराइज डायरेक्टली विद प्राइस एंड प्राइस के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, सी ऑप्शन बी ऑप्शन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है प्राइस, सी ऑप्शन है वेराइज इनवर्सली विद प्राइस प्राइस जो के साथ इनवर्सली वेरी करता है, डी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनेटली विद प्राइस तो प्राइस के साथ प्रोपोर्शनेटली वो वेरी करता है। तो क्या होना चाहिए नॉर्मल डिमांड शेड्यूल में जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या होगा बताइए सोच के। तो इसका इसका सही जवाब हो जाएगा सी होगा इनवर्सली विथ प्राइस वेरी करता है। ठीक है इनवर्सली विथ प्राइस वेरी करेगा यानी क्वांटिटी डिमांडेड जो है ठीक है अगर वो ज्यादा हो जाए सॉरी अगर क्वालिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगा यहाँ पे प्राइस के साथ हम बोल सकते हैं कि इनवर्सली वेरी करता है। ठीक है ये याद रखना है। क्वेश्चन ब्रेक, एन एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, बोलता है जो एक उदाहरण हो गया डिराइव्ड डिमांड किसी भी डिमांड के लिए वो क्या होगा इसमें कौन सा एग्जांपल हमें सबसे फिट होगा, ए ऑप्शन है पेन एंड इंक, बी ऑप्शन है वूल एंड मटन, सी ऑप्शन है पेट्रोल एंड कार, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो डिराइव्ड डिमांड एक डिमांड से दूसरा डिमांड से क्या बोला डिराइव्ड डिमांड का मतलब क्या हो गया समझिए बात, एक डिमांड से आपको इस डिमांड को पूरा करने के लिए आपको एक और डिमांड को देखना होगा और उसको पूरा करना होगा। यहाँ जो ऑप्शन दिया उसमें सही ऑप्शन हो जाएगा डी नन ऑफ द अबव। ठीक है इसमें कोई भी ऐसा एग्जांपल नहीं है जिसको हम डिराइव्ड डिमांड बोल सकते हैं। ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन, बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन, अगर हम बोलते हैं जहां डिमांड अगर बढ़ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, ए ऑप्शन है मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन ए डिमांड कर्व, मूवमेंट अपवर्ड की तरफ होगा डिमांड कर्व में, बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, मूवमेंट डाउनवर्ड होगा डिमांड कर्व में, सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड्स ऑफ डिमांड कर्व, शिफ्ट अपवर्ड करेगा डिमांड कर्व में, डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्या होना चाहिए आपकी समस्या बताइए। तो अगर डिमांड बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी ऑप्शन क्या होगा बताइए। अगर डिमांड बढ़ रहा है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि अपवर्ड शिफ्ट कर रहा है डिमांड का, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है अपवर्ड, अगर इंक्रीज हो रही है डिमांड तो हम लोग सीधा बोलेंगे
कि यहाँ पे एक अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व, बस ठीक है। क्वेश्चन मटेरियल, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ, बोल द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है क्योंकि क्योंकि प्राइस चेंजेस, ये ऑप्शन है, प्राइस बदलते रहता है। बी ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, जो प्रिंसिपल होता है इनकम का वो डिफरेंट होता है। सी ऑप्शन है चेंजेस इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है वो चेंज होता है। डी ऑप्शन नॉन ऑफ द अबव, तो क्या होगा इस केस में? सही ऑप्शन हो जाएगा ए, जो लॉ ऑफ डिमांड है बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि प्राइस चेंज के साथ ऑपरेट करता है वो, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड जो ऑपरेट करता है क्योंकि प्राइस चेंज होते रहता है, इसके साथ वो लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है। अगर ज्यादा प्राइस हो जाएगा तो कम लोग सामान खरीदेंगे, कम प्राइस कम मतलब सस्ता सामान मिलेगा ज्यादा लोग खरीदेंगे उसको, ठीक है। तो उसके साथ ऑपरेट करता है, प्योरली प्राइस के साथ ही ऑरियंटेड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सीआईबी के दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक है सीआईबी का पीपीटी कोर्स जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर स्किल रिकॉर्डर, जो अभी आपने देख रहे थे, और एक होता है फेस टू फेस वीडियो कोर्स जहाँ मैं बोर्ड पे आके पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, बताता हूँ। और ये कोर्स ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा बढ़िया है। और इसके अंदर आप दोनों कोर्स का कंपेयर करेंगे, बेसिकली ये जो कोर्स कर रहे हैं बेस्ट कोर्स है, ठीक है। और अगर आप कंपेयर करेंगे तो दोनों में दिखेगा, यहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी वीडियो लेक्चर कोर्स है, यहाँ भी केस स्टडी का वीडियो, यहाँ भी केस स्टडी का वीडियो है, यहाँ भी 6,000 स्टडी का क्वेश्चन में, यहाँ 12,000 स्टडी का क्वेश्चन में, यहाँ भी, और यहाँ पे एक 30 मॉक टेस्ट होता है, उसके बाद यहाँ पे रिविजन नोट्स है और यहाँ पे रिविजन नोट है। दोनों जगह जो वैलिडिटी होगी कोर्स की लाइफ लॉन्ग होगी। कोई भी पेपर करिए, एबीएम बीएफएम रिटेल बैंकिंग, सभी का दाम यहाँ पे 800 रुपये और यहाँ दाम है 1500 रुपये। एबीएम प्लस बीएफएम करेंगे तो इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी एबीएम बीएफएम प्लस रिटेल बैंकिंग करेंगे, इसका दाम है 2000 रुपये और इसका दाम है 3500 रुपये। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 6 8 5 1 2 7, दूसरा नंबर है 7 8 2 7 5 4 6 9 4 6। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा ctcina123@gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।